और हम बढ़ रहे हैं आगे। इस वक्त दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है, 10 अप्रैल से 18 प्लस के लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा, यानी कि जिस बूस्टर डोज की बात हो रही थी, अब 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी ये प्रिकॉशन डोज लगेगा। हेल्थ वर्कर्स का प्रिकॉशन डोज जो है तेजी से चल रहा है, सरकारी केंद्रों पर हेल्थ वर्कर्स को ये प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। अब 10 अप्रैल से 18 प्लस के लोगों को भी प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। 10 अप्रैल से शुरुआत होगी इस वैक्सीनेशन ड्राइव की, जिसमें प्रिकॉशन डोज 18 से ज्यादा उम्र की लोगों को भी दिया जाएगा और सेंटर्स पर, अलग अलग सेंटर्स पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। हेल्थ वर्कर्स को फिलहाल दिया जा रहा है ये डोज, सरकारी केंद्रों पर हेल्थ वर्कर्स को डोज, प्रिकॉशन डोज कोविड के खिलाफ दिया जा रहा है 18 प्लस के लोगों के लिए। 10 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जाएगी, सरकारी केंद्रों पर इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। निजी जो सेंटर्स हैं, निजी जो केंद्र हैं, वहां पर भी ये बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगाया जा सकेगा। सरकारी केंद्रों पर हेल्थ वर्कर्स को डोज दिया जा रहा है और 18 प्लस के लिए जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी तो दोनों, चाहे वो सरकारी सेंटर्स हों या फिर वो प्राइवेट सेंटर्स हों, दोनों सेंटर्स पर बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। दरअसल भले ही देश में कोविड के नंबर्स कम हो रहे हों, लेकिन अलग अलग वेरियंट्स लगातार पूरी दुनिया में सामने आ रहे हैं। यूके में XE वेरिएंट फिलहाल तेजी से बढ़ रहा है। XE का एक मामला मुंबई में भी सामने आया था, उसके अलावा कप्पा का एक मामला भी सामने आया। स्थिति वहां पर नियंत्रण में है, काबू में है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर ये डोज अब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को भी दिया जाएगा। याद रखिए, बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में क्योंकि जो दो डोज लगाए जाते हैं, एंटीबॉडी वो जो पैदा करते हैं उसकी भी एक तय समय सीमा होती है, उसके बाद धीरे धीरे एंटीबॉडीज का असर भी कम होता रहता है। और क्योंकि पूरी दुनिया में लगातार नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो इससे पहले कि सेकेंड डोज के बाद जो एंटीबॉडी बनी है उसका असर कम हो, ये प्रिकॉशनरी डोज लगाने की योजना सरकार ला रही है। 10 अप्रैल से जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं उन्हें प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई जाएगी। एक बार फिर से एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में चलाया जाएगा। प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज, जो भी आप इसको कहना चाहें, यानी कि एक तीसरा डोज वैक्सीन का अब आपको लगाया जाएगा 18 प्लस के लोगों को 10 अप्रैल से। और चाहे वो सरकारी केंद्र हो या निजी केंद्र, दोनों ही जगह जाकर के आप ये प्रिकॉशनरी डोज लगा सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश में हालांकि कोविड के जो आंकड़े हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन का असर भी नजर आ रहा है। और क्योंकि नए नए वेरिएंट सब सामने आ रहे हैं दुनिया भर में, तो वो फैले ना तेजी से, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर ये डोज अब लोगों को लगाया जाएगा। और इस वक्त दिल्ली वैक्सीन सेंटर के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भाटी, इसके पीछे का महत्व बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में जो कोरोना के इन्फेक्शन के नंबर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं, लेकिन बाकी देशों में नए नए वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज की बात कर रहे हैं, अभी हमारे सिर्फ जो 60 प्लस और एल्डरली लोग थे उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, बट बाकी भी लोगों का आप ये देखिए कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए काफी समय हो गया था, सेकेंड डोज लगे 9 मंथ से भी ज्यादा हो गए हैं। एडवाइजेबल है कि 6 महीने के बाद अगर हम बूस्टर डोज दे दें तो वो बेहतर रहेगा। और दूसरा, हमारे जो कोमोर्बिड लोग हैं जिनको काफी और अन्य गंभीर बीमारियां, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, तो उनके लिए भी जैसा हमने देखा कि कोविड के दौरान उनको काफी बीमारी की गंभीरता रही थी, तो उनमें जो है बूस्टर डोज को लगवाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और जैसा आप वेरियंट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट नई तरह के वेरियंट वेरियंट आ ही रहे हैं, तो अगर हम बूस्टर डोज लगा देंगे तो जो इम्यूनिटी डिक्लाइन हुई है, कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी फिर से जो है उनकी ठीक तरह से रोबस्ट हो जाएगी। और अभी तक फिलहाल हम देखें तो कंडीशन कंट्रोल में है, पर जब कंडीशन कंट्रोल में रहती है उस टाइम हमारा वैक्सीनेशन जो ड्राइव है और अच्छी तरीके से रोल आउट हो सकता है। तो आई थिंक ये राइट टाइम है जिस टाइम हमारा बूस्टर डोज 18 प्लस के लिए रोल आउट हो रहा है। जी, जरा आप ये भी बता सकेंगे हमारे दर्शकों को डॉक्टर भाटी, कि सेकेंड डोज लगाने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जो एक इम्यूनिटी कवर या प्रोटेक्टिव कवर बनता है, उसकी भी एक एक समय सीमा होती है, कुछ लोगों में 3 महीनों के बाद, कुछ लोगों में 6 महीने के बाद इसका असर कम होता दिखाई देता है। कि जैसे ये डिपेंड करता है, पर सबसे ज्यादा जैसे अभी भी हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था वो चरणबद्ध तरीके से हुआ था। पहले हमने देखा कि हमारे जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके बाद जो एल्डरली लोग हैं, इस तरह से जो एल्डरली लोग हैं उनके अंदर जो लेवल है वो कम
बहुत बड़ी खबर है, सरकार ने अब 18 प्लस के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज जो है, बूस्टर डोज जो है, उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की बात कही है। 10 अप्रैल से ये ड्राइव शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि फोन शायद कट गया डॉक्टर त्रिहान के साथ हमारा। फिर से चलते हैं डॉक्टर भाटी के पास। जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। और उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने अभी पहले बताया, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा कि जो आपके कोमॉर्बिड मतलब जिनको और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उनके अंदर जो एंटीबॉडीज का स्तर है वो काफी जल्दी कम हो जाता है, उनके अंदर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो इसलिए उनको लगाना बेहद जरूरी है। फिलहाल अभी हमारा जो था 60 प्लस कोमॉर्बिड वाले लोगों के लिए था, पर जो 18 प्लस के बाद भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अन्य काफी गंभीर बीमारी है, उनके लिए बूस्टर डोज लगना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जी डॉक्टर भाटी, एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्यों मिक्स एंड मैच पॉलिसी नहीं है अभी, तो जो सेकेंड डोज लगा है चाहे वो कोवैक्सीन का लगा हो या कोविशील्ड का लगा हो, वही दिया जाएगा बूस्टर के तौर पर? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर हमारी इस तरह की कोई बहुत ज्यादा भी रिसर्च आई नहीं है जिसके अंदर मिक्स एंड मैच के अंदर हम देखें कि कोई किस तरह का बहुत ज्यादा कोई अच्छा रिस्पांस हो, बट फिलहाल अभी हमने देखा है कि हमारी जो प्राइमरी वैक्सीन है, जो पहली डोज और सेकेंड डोज लगी, उसी की जो थर्ड डोज है उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अन्य देशों में भी इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई है, तो फिलहाल अभी हमने खुद भी देखा है कि जिन लोगों को अभी बूस्टर दी गई है जनवरी के अंदर भी, तो उनके अंदर काफी अच्छा रिस्पांस है। जी डॉक्टर भाटी, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ लाइव रिपोर्ट्स भी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ फोन लाइन पर और वरुण लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से, एक बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि अब 18 प्लस जो है, 18 साल की उम्र और उससे ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें 10 अप्रैल से ये बूस्टर डोज दी जाएगी, तो अब एक और मास स्केल पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव बूस्टर डोज के लिए चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, और जिस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए अपने लोगों को सुरक्षित रखने का प्लानिंग थी, उसी का आज एक नया कदम सामने आया है जिसमें कि अब 10 अप्रैल से प्राइवेट जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उस पर वो लोग जो दोनों डोज इस वक्त वैक्सीनेशन की ले चुके हैं वो अपनी एक बूस्टर डोज ले पाएंगे अगर उनको 9 हफ्ते हो गए, यानी कि वो 39 हफ्तों का टाइम मेडिकली साइंटिस्ट की तरफ से अपनाया गया था कि इसको आपको इतना अंतर रखना होगा अपनी दूसरी डोज के लिए। तो ये जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि 10 अप्रैल से जिनको टीके लगेंगे वो लोग हैं जो अपनी दोनों डोज ले चुके हैं। इसको प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया है, यानी कि अगर आप उन दोनों डोज का उपयोग कर चुके हैं और अगर आपको अभी जो नए वेरिएंट आते हैं, जैसे बहुत से वेरिएंट की हम बात करते हैं लगातार, टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्ट करता है कि एक्सी वेरिएंट हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, वो जो वेरिएंट यानी कि कोविड अपने आप को जैसे जैसे बदल रहा होता है उससे बचने के लिए बहुत बड़ा एक कदम है, और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द सरकार लगातार इस पे प्लानिंग कर रही थी, और वो 10 अप्रैल एक बहुत बड़ी तारीख है जिसमें कि 18 साल से ऊपर के लोग भी अब वो प्रिकॉशनरी डोज ले पाएंगे, क्योंकि जो कोमॉर्बिड केस थे उनको पहले से ये डोज दी जा रही थी, अभी 60 प्लस के लोगों को मिल चुकी थी। और अगर अब जानकारी दें, यानी कि जिसको दूसरी डोज जून में लगी है वो इस 10 तारीख से वो प्रिकॉशनरी डोज लगवा पाएगा, यानी कि उस 9 महीने को, और इसकी सारी जानकारी उनको मिलेगी covid.gov.in पर, वो लोग रजिस्टर कर पाएंगे अगर वो 9 महीने का गैप उनके ऑटोमेटिकली वहां अपडेट हो जाएगा और covid.gov.in पर जाकर वो इसका भी सेवा ले पाएंगे, और जो आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त वो उन्हें दिखाई देंगे वो इस वक्त प्राइवेट होंगे, और सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों जगह ये प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज या थर्ड डोज जो भी आप इसको कहना चाहें वो आपको लग जाएंगी। रविकांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, व्यवस्था क्या की गई है, प्रोसेस क्या होगा ये समझाइए, और क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके अलावा भी कोई जानकारी दी है? देखिए स्वाति, सरकार जो है कोविड के खिलाफ जो भारत सरकार की जंग है उसमें स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है, और जिन लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है उनके लिए ये एप्लीकेबल है, और इसके साथ ही जो रजिस्ट्रेशन के लिए विधि थी वो सारी प्रक्रियाएं जो पहले होती थी ठीक वैसे ही रखी गई हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया था हेल्थ मिनिस्ट्री को कि जो एंटीबॉडी है वो किसी बॉडी में 3 महीने तक 6 महीने तक एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद जो है एंटीबॉडी घटना प्रारंभ हो जाती है, और अभी भी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 10 अप्रैल के बाद जो है एक तरीके का बूस्टर डोज जिसे कहिए या थर्ड डोज भी हम कह सकते हैं उसको लगाने की बात कही गई है, और जिनको सेकेंड डोज लग चुका है वो ये डोज ले सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में भी जिनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी
बहुत कम हो रही थी उसकी मात्रा को मेंटेन किया जाए। अगर किसी भी प्रकार से कोविड की कोई लहर आती है तो जो भारत के नागरिक हैं उसमें पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, और ये पूरी प्रक्रिया जो है एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद भारत सरकार ने इसको लागू करने का फैसला किया है। जी रविकांत और वरुण आप हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर भाटी भी लगातार अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे रहे हैं। डॉक्टर भाटी, जिस टाइम गैप की बात वरुण कर रहे थे, तो अपने आप लोगों को ये मॉनिटर करना होगा कि सेकेंड डोज और बूस्टर डोज में कितना समय बीत गया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें। बिल्कुल, देखिए इसमें एक तो जिनका टाइम हो गया उनके पास मैसेज भी जाएंगे, जैसे अभी भी हमने देखा था सेकंड डोज के लिए जा रहे थे और प्रिकॉशन डोज के लिए भी मैसेजेस जा रहे थे, एक तो वैसे। दूसरा एक चीज इसमें और बता दूं कि लोगों को वैसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कई बार अपना वो एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं और उसमें लगता है उनका एंटीबॉडीज लेवल डिक्लाइन हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको प्रोटेक्शन नहीं है। कुछ मेमोरी सेल्स होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, टी सेल्स, तो उनके तो आपका प्रोटेक्शन निश्चित तौर पर रहता ही रहता है। पर हाँ, जिस तरह से अभी सरकार के निर्देशों का जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रिकॉशनरी डोज लेना हर किसी के लिए। डॉक्टर भाटिया बने रही हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त आईएमए के पूर्व महासचिव नरेंद्र सैनी जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर है देश के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव के लिहाज से कि अब प्रिकॉशनरी डोज जो अभी तक हम देख रहे थे सीनियर सिटीजंस को दिया जा रहा था वो 18+ को भी दिया जाएगा, 10 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन बूस्टर डोज, बूस्टर का नाम ही इटसेल्फ सजेस्ट कि आपकी किसी भी चीज को बूस्ट कर रहा है। जब हम वैक्सीनेशन के साथ बूस्टर डोज की बात करते हैं तो उसका मतलब कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी बनी हुई है जो कम हो रही है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, तो बूस्टर डोज का है। ये एक समय के अनुसार किया जाता है, जो भारत सरकार ने, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात की है कि बूस्टर डोज लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मान लेना कि कोरोना हमारे देश से निकल गया ये अभी नहीं है, अभी नहीं मान सकते हम कि हमारे देश से निकल गया, क्योंकि दुनिया में दोबारा से भी अब चाइना में, हांगकांग में केसेस बढ़े हैं, इवन ब्रिटेन में भी एक तरह से नया एक एक्सई वेरिएंट नजर आया है, और ये वेरिएंट अभी तक ये भी पता लगा कि मुंबई में ये वेरिएंट था कि नहीं था, उसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है कि वो वेरिएंट हमारे यहाँ आया कि नहीं आया, और ये ट्रांसमिशन रेट इस वेरिएंट का बहुत हाई है, तो हमें अभी तक जो बचा सकता है वो है हमारे हमारा वैक्सीनेशन, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये वैक्सीनेशन में हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है, इसलिए बूस्टर डोज लगाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव कवर आपका थोड़ा सा और बढ़ा देगा ये, इसीलिए बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। डॉक्टर सैनी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सैनी। हमारे साथ डॉक्टर भाटी भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर भाटी, अब जो है लोग सहज हो गए हैं वैक्सीन को लेकर के, जो लोगों के दिमाग में थोड़ा डाउट, थोड़ा संकोच भी करते थे वैक्सीन को लेकर के, अब वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए उनका भी जवाब लोगों को मिल गया है। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोटेक्टिव कवर को ये बढ़ाएगा, इसीलिए हिचकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस भी दवाई का डोज आपको पहले दो उसमें दिया गया था, डोजेस में दिया गया था, वही आपको बूस्टर डोज के तौर पर तीसरी बार भी लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हेजिटेंसी तो लोगों के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं है, पर हाँ, पर मुझे ये लगता है कि किस तरह से थोड़ा सा शायद जैसे सेकंड डोज के लिए लोगों ने डिले कर दिया था, तो कहीं बूस्टर के लिए डिले ना करें, तो ये लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे अब कुछ गाइडलाइंस ऐसे आ रही है, काफी सारी देशों ने बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है कि अगर आपको वहां पर ट्रैवल करना है तो आपको बूस्टर डोज लगवानी बहुत जरूरी होगी। तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि जैसे ही आपका टाइम ड्यू हो तो आप अपनी बूस्टर डोज जरूर ले लें। जी बहुत जरूरी है बूस्टर डोज लेना, क्योंकि हमने देखा वैक्सीन जो है आपको गंभीर इन्फेक्शन से बचाता है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाता है। इसीलिए अगर कोई सवाल हो भी आपके मन में तो आप अपने डॉक्टर से सवाल पूछ करके अपना डाउट दूर कर सकते हैं। डॉक्टर भाटी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण और रविकांत का भी बहुत बहुत शुक्रिया।